हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल वेलकम टू द चैनल कैसे हो आप सब ठीक है आज हम पढ़ने वाले हैं एटम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो जैसा आप बोलना चाहें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है और हर जगह पूछा जाता है हर एग्जाम में पूछा जाता है ये चाहे आप आई ले लो नीट ले लो या फिर कोई भी कंप्यूटर एग्ज़ाम ले लो जो भी आपके स्टेट में होते होंगे वो कंप्यूटर एग्जाम ले लो हर जगह पर इससे क्वेश्चन आते हैं और हर साल क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको एक एक चीज़ हम इस पर बात करते चलेंगे अपन ठीक है कोई से भी एग्जाम से रिलेटेड हो आई के रिगार्डिंग हो या नीट के रिगार्डिंग हो कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा हैं यहाँ पे तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के बारे में ठीक है एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर को इंट्रोडक्शन में अगर आपको दूं तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये होगा कि जो डेल्टनस है हमारे डेल्टन ने जब उन्होंने थ्योरी दी थी थ्योरी आपको अच्छे से पता है आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं अपन ठीक है तो थ्योरी में उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है मतलब कि एटम को फर्दर ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है बट ये सब उन्होंने कह दिया और काफ़ी टाइम तक इसको लोग मानते भी रहे लेकिन फिर बाद में कई सारे इंटेलिजेंट लोग पैदा हुए उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने क्या करा कुछ भी जैसे कॉम ले लो आप ठीक है कॉम को क्या करा उन्होंने रब करा रब करके उन्होंने देखा कि यार ये तो सिल्क को सिल्क के साथ कंडक्ट हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है यहाँ पर ठीक है हेयर हेयर के साथ रब किया तो वहाँ पर हो रहा है चेयर के साथ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी कभी कभी हमें करंट लगता है प्लास्टिक की चेयर पर बैठ जाते हैं तो तो ये समझ में नहीं आया कि यार जो एटम है हमारा डेल्टन ने जो कहा था कि इंडिविजिबल है तो एटम के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए जिससे वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है उससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली डेल्टन ये कह चुके थे कि जो एटम है वो वो मैटर का ही पार्ट है तो मैटर में अगर करंट आ रहा है तो डेट मीन्स कि एटम में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये काफ़ी लोगों को लगा कि आदि ऐसा कैसा हो रहा है कैसा हो रहा है फिर तो ये जब बात हो गई तो फिर कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जैसे डेवी आए स्टोनी आए फेरडा आए उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू उन्होंने पता करा कि हाँ सच्ची में मैटर के अंदर कंडक्टिविटी तो है ठीक है मैटर के अंदर कंडक्टिविटी तो है बट कंडक्टिविटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है ये चीज़ इनको क्लियर नहीं हुई तो फिर अल्टीमेटली एटीन के अंदर ठीक है जिसको हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ डिस्करी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे स्टडी ऑफ कैथोड्रेस स्टडी ऑफ कैथोड्रेस तो बाद में फिर विलियम्स क्रुक आए विलियम्स क्रुक ने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने पता करा कि आप भाई सच्ची में मैटर के अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल तो है जो हर एक मैटर के अंदर मिलता है इथ रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर चाहे वो हाइड्रोजन ले लो सोडियम ले लो क्लोरीन ले लो ऑक्सीजन ले लो कॉपर ले लो कुछ भी ले लो हर एक मैटर के अंदर ये ये पार्टिकल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा तो वो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था और सबसे पहले जो फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुआ था वो इलेक्ट्रॉन हुआ था डेट्स वाई हम इस चैप्टर का पार्ट इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो हैडिंग है हमारी वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो विलियम्स क्रुक ने क्या करा यहाँ बता लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा विलियम्स क्रुक ने क्या किया विलियम्स क्रुक एटीन के अंदर ठीक है वो क्या कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे थे स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वो कैसे कर रहे थे वो गैसेस के थ्रू पता करना चाहते कि उन्होंने सारी गैसेस ले ली बहुत सारी गैसेस ली उन्होंने उससे उन्होंने पता करना चाहता थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर इसके पीछे भी बहुत एक साइंटिफिक रीज़न है कि लो प्रेशर ही क्यों लिया उन्होंने ठीक है हम ये तो जानते हैं कि लो प्रेशर पे कंडक्ट किया था लेकिन लो प्रेशर पे कंडक्ट क्यों किया गया था उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा तो उन्होंने क्या किया एक डिस्चार्ज ट्यूब ली मैं डिज़ाइन करता हूँ यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब एक रफ टाइग्राम लेता हूँ यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब ली उन्होंने और डिस्चार्ज ट्यूब इस टाइप से डिजाइन की गई थी कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स ऑटोमेटिकली फिटेड थे जिसको आप चेंज नहीं कर सकते थे चेंज करना होता तो पूरी डिस्चार्ज ट्यूब नहीं बनानी पड़ती तो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स थे और इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करने के लिए अलग से वायर निकले हुए थे जो कि बैटरी से कनेक्ट हो सकते थे ठीक है अब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा क्लियर यहाँ पे बात ठीक है जो नेगेटिव है उसको उन्होंने बोला कैथोड और जो पॉजिटिव है उनको उसने बोला एनोड ठीक है और यहाँ पे उन्होंने क्या करा एक वैक्यूम पम्प बना दिया वैक्यूम पम्प इंस्टॉल करा यहाँ पे और वैक्यूम पंप का काम क्या था यहाँ पे कि वैक्यूम पंप के थ्रू वो अंदर के गैसेस प्रेशर को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते थे ताकि वो स्टडी कर पाए कंडक्टिविटी के बारे में ठीक है वैक्यूम पंप तो उन्होंने जब स्टडी कंडक्ट करने चाहिए यहाँ पे इसके बारे में तो उन्होंने क्या करा यहाँ पे टेन थाउजेंड वोल्ट अराउंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी और इस वैक्यूम पंप के थ्रू उन्होंने यहाँ पे अंदर यहाँ इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर क्रिएट किया वो प्रेशर था अराउंड अराउंड पॉइंट जीरो वन एम एम ऑफ मरकरी पॉइंट जीरो वन एम एम ऑफ मरकरी कितना कम प्रेशर है ये इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूँ तो हमें पता है कि रूम के अंदर कितना प्रेशर होता है अभी बेटा वन ए प्रेशर होता है और इसी ए को अगर मैं बार के अंदर कन्वर्ट करूँ तो वो हो जाता है वन पॉइंट जीरो वन बार इसी वन ए को अगर मैं एम एम ऑफ मरकरी के अंदर कन्वर्ट करूँ तो वो हो जाता है हमारा सेवनटी सिक्स एम एम ऑफ मरकरी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रूम के अंदर जो प्रेशर है अभी वो कितना है 76 सिक्स एम एम ऑफ मरकरी है और यहाँ पे कितना प्रेशर है पॉइंट जीरो वन एम एम ऑफ मरकरी मतलब कि हम कह सकते हैं कि नेग्लिजेबल है ये नहीं कह सकते कि वैक्यूम है ठीक है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि वैक्यूम क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर नेग्लिजेबल क्यों लिया है यहाँ पर उन्होंने इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर इतना कम प्रेशर क्यों लिया इन्होंने क्योंकि तो अगर हम देखें तो तो यहाँ पे अगर वन आई प्रेशर होगा वन एट टाइम प्रेशर होगा यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी मतलब कि कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं करेगी अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी तो यहाँ से करंट कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ करंट कंडक्ट करता है तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी कंडक्ट नहीं होगी यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे उन्होंने कहा क्या क्यों तो नहीं होगी क्योंकि जो गैसेस होती है गैसेस आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि तो गैसेस जो होती है वो बैटर कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और बैटर कॉन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा तो उन्होंने क्या करा बहुत कम प्रेशर लिया ताकि पे चाहिए तो उन्होंने क्या करा कि जो एनोड था ये इस एनोड को उन्होंने क्या करा इस एनॉइड के अंदर बहुत सारे होल्स कर दिए जूम डायग्राम अगर हम देखें तो ये एनोड है हमारा इसके अंदर बहुत सारे होल्स है ठीक है जब जब किसी इलेक्ट्रोड के अंदर होल्स कर दिए जाते हैं तो वह जो इलेक्ट्रोड होता है वो कहलाता है परफोरेटेड इलेक्ट्रोड इसके पीछे इनका मोटो क्या था कि वो देखना चाह रहे थे कि अगर कुछ चीज कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है तो वो यहां पे अटक जाएगी इस एनोड पे अटक जाएगी तो उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे होल कर दिए इस एनोड के अंदर होल कर दिए ताकि कुछ जगह से इधर ट्रेवल कर तो में से पास होके इस करें इस वॉल पे स्ट्राइक करें और वो कैसे पता करेंगे वो उन्होंने क्या करा इस वॉल को उन्होंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिंक सल्फाइड उससे उन्होंने इसकी कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी जिससे क्या हो गया ये फ्लोरोसेंट बन गई फ्लोरोसेंट स्किन बन गई अब स्क्रीन क्या होती है इस टाइप की स्क्रीन होती है कि जब भी इस स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज आके हिट करेगी जैसे मैंने इस इस पेन को इस ये मान लेते हैं कि ये जो पूरा पेज है हमारा ये स्क्रीन है तो जैसे इस पेन ने इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया तो ये जगह से वो स्क्रीन ग्लो करने लग जाएगी ग्रीनिश कलर की ग्लो करने लग जाएगी सिमिलरली अगर कुछ चीज कैथोड से एनोड की तरफ आ रही होगी तो इस वॉल में से पास होते हुए पीछे इस वॉल पे हिट करेगी

यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूंगी इतने कम प्रेशर से क्या हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे गैसेस है थोड़ी बहुत तो कैथोड से कुछ पार्टिकल तो एमिट हो रहे होंगे वो पार्टिकल क्या कर रहे होंगे इस गैसेस पे हिट भी कर रहे होंगे उस गैसेस पे हिट करने से क्या हो रहा है की जो पार्टिकल थे इनमें से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि क्या बाहर निकल रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ बाहर निकल रही थी तो उन्होंने ये लगा कि यहाँ से कुछ चीज बाहर निकल रही है तो वो भी चीज नेगेटिवली चार्ज होगी जो यहाँ से निकल रही है इस एटम में से निकल रही है और नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की तरफ ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करेगी अट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पीछे हिट करेगी ठीक है तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये हमें पता है अभी के टाइम पे उनको पता नहीं था लेकिन लेकिन नेगेटिवली चार्ज है ये तो पता लग गया हमें तभी यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं वो और यहाँ पीछे हिट कर रहे हैं ये ग्लो कर रहा है यहाँ पे ठीक है तो इस टाइप का उन्होंने पूरा डायग्राम सेटअप किया जन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इतना कम प्रेशर क्यों लिया गया था क्लियर तो ये सब चीज हो गई अब अब इलेक्ट्रॉन है वो जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज है तभी वो तरफ ट्रेवल कर रहे हैं ठीक है थीके? अब उनको पता करना था इस पार्टिकल के बारे में कि पार्टिकल क्या क्या कर सकता है इसकी कैटरिस्टिक क्या होगी इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी ठीक है हमारी वो लिखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेस ठीक है तो ये प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के लिए जब ये एक्सपेरिमेंट फेमस हो गया सब कुछ हो गया तो काफी सारे साइंटिस्ट आए थॉमसन आए आर मिलिकन आए फेराडेस थे जो सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से इस इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहा उससे इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट की तो इन प्रॉपर्टीज के लिए क्रेडिट एक साइंटिस्ट को नहीं जाएगा काफी सारे साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है तो हम किसी साइंटिस्ट ना, के नाम लिए बिना डायरेक्टली प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो तो पहली प्रॉपर्टी थी उसके लिए क्या किया उन्होंने उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए तो उन्होंने एक किसी साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इसके अंदर एक पैडल रख दिया एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया इस ट्यूब के अंदर तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि जैसे यहाँ से कुछ चीज ट्रेवल करिए सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरफ आ, आएगी सॉलिड ऑब्जेक्ट उसको रोकेगा तो पीछे उसकी इमेज बन जाएगी क्योंकि वहां से वो ग्लो नहीं करेगा पीछे वॉल पे वो ग्लो नहीं करेगा जहां जहाँ पे वो ब्लॉके जा रहा होगा तो वो चीज का क्या ऑशेडो बन गया पीछे डेट मीन पता लग गया कि जो इलेक्ट जो भी चीज यहाँ से ट्रेवल कर रही है जो कि इलेक्ट्रॉन से वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं ठीक है तो ये पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी दे प्रोड्यूस

थोडरेसोड्रेस ट्रेवल इन अस्ट्रेट लाइन ट्रेवल इन अस्ट्रेट लाइन ठीक है तो पहली प्रॉपर्टी पता लगी हमें कि कैथोड्रेस हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है सेकेंड जो प्रॉपर्टी थी हमारी वो तो प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या आ गया कि इसका किससे बना हुआ ये जो पार्टिकल है वो किससे बने हुए इसको जानने के लिए एक साइंटिस्ट आया उन्होंने क्या करा इसके अंदर एक पैडल रख दिया माइका का बना हुआ पैडल था क्योंकि लाइट वेटेड था बहुत ज्यादा माइका लाइट वेटेड होता है इसलिए उसका बना हुआ पैडल रखा है यहाँ पे उस पैडल कहता है वो पैडल ऐसा था कि वो रोटेट कर सकता था कि उसके ऊपर फोर्स आता तो ठीक है तो वो पैडल रखने से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर की तरफ ट्रेवल कर रहे होंगे रास्ते में पैडल मिला पैडल को उन्होंने हीट किया तो पैडल रोटेट करने लग गया ठीक है रोटेट करने लग गया मतलब कि समझ में आ गया कि यार जो उस पर फोर्स लग रहा है पैडल पे कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है और फोर्स लग रहा है डेट मीन कि कोई ना कोई पार्टिकल है जिसका मास है उस पार्टिकल का मास है तभी मास उस पर स्ट्राइक कर रहा है उस पर फोर्स लग रहा है ठीक है तो ये भी चीज क्लियर हो गई हमें कि जो कैथोड रेस है दे आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स लिख लेते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट इफ अ लाइट पेडल व्हील मान लेते हैं हम इसको कि ये किससे बना हुआ है डेट ऑफ मैका का बना हुआ है माउंटेड ऑन एक्सेल इन देयर पाथ the wheel begins to the wheel begins to rotate ठीक है इससे क्या पता लगा हमें दिस शोज दैट कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ कैथोड रेस आर मेड अप पा। ऑफ मेटेरियल पार्टिकल क्लियर बेटा तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करें कॉपी करें नेक्स्ट टेस्ट आते हैं अपन ठीक है थर्ड जो पॉइंट होगा हमारा थर्ड पॉइंट होगा थर्ड जो प्रॉपर्टीज निकली वो निकली कि उन्होंने डिस्चार्ज जो ट्यूब थी हमारी मैं दोबारा एक बार तो डिस्चार्ज ट्यूब थी हमारी ठीक है और डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर नीचे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया ठीक है उन्होंने उसके ऊपर क्या करा इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया पेट लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की ठीक है

इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती है और यह भी पता लग गया कि जो पार्टिकल एमिट हो रहा है वो कंफर्म हो गया यहाँ पे कि वो कैसा है नेगेटिव चार्ज है क्योंकि वो की तरफ हुआ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द थोड्रेज दे आर डिफ्लेक्टेड दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट दिस शॉज कैथोड कैथोड रेस रेस जो है है वो कौन सा चार्ज चार्ज करती सॉरी नेगेटिव ठीक है carry, sorry, तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे इनकी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे पता लगती जा रही थी कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है कैथोड रेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है ठीक है जो फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा तो फोर्थ पॉइंट भी उनके कारण उन्होंने एक और चीज करी जो मैं यहाँ लिखने रहा कि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या मैग्नेटिक फील्ड लगाने से वो वापस डिफ्लेक्ट होने लगी जिससे पता लग गया कि वो नेगेटिव चार्ज किए इसके अलावा क्या किया गया उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए उन्होंने क्या किया कि जो कैथोड रेस थी उसको मेटल के ऊपर भी स्ट्राइक किया मैंने कैथोड रेस मैंने कैथोड रेस स्ट्राइक मेटल फॉइल रेस स्ट्राइक मेटल फॉइल मेटल फॉइल थी क्या हुआ द लेटर बिकम द लेटर बिकम हॉट ठीक है जो मेटल फॉइल थी वो क्या हुई बाद में गर्म होने लगी धीरे धीरे वो गर्म होने लगी गर्म होने लग के इससे पता लगा कि जो कैथोड रेस है वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है ठीक है दिस इंडिकेट दैट कैथोड रेस प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट क्लियर तो ये सारे एक्सपेरिमेंट होते गए होते गए बहुत सारी चीजें पता लगती गई जैसे फिफ्थ पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे दे दे कॉज आयोनाइशन ऑफ गैस देखा भी जैसे हमने यहाँ पे कि यहाँ पे गैसेस थी तो गैसेस में किया और इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आ रहे थे अब कोई भी चीज में से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो वो क्या होगा जो चीज होगी वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और जब भी कोई चीज आयंस में कन्वर्ट होती है तो उस पर्टिकुलर चीज का क्या होता है आयोनाइेशन होता है तो यहां पे भी क्या होता दे कॉज एगेनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए अगर हम यहां पे तो ये एक्सरे भी प्रोड्यूस करती थी दे प्रोड्यूस एक्सरेस तब करेगी एक्सरेस प्रोड्यूस जब कैथोड रेस को बहुत हार्ड मेटल्स के ऊपर स्ट्राइक करा जाएगा तो जब जैसे हार्ड मेटल्स कौन से ले लें हम कॉपर ले लें मोलिबेनम ले ले, ले, ले टंगस्टन ले ले ऐसे हार्ड मेटल्स ले लें ले अगर हम तो उसके ऊपर जब हम कैथोड्रेस को स्ट्राइक करेंगे तो वहां से एक्सट्रेस भी प्रोड्यूस हो रही थी ठीक है तो ये सब प्रॉपर्टी निकल के आई वेन दे स्ट्राइक ऑन हार्ड मेटल्स ठीक है सेवन जो प्रॉपर्टी थी हमारी दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेंस ऑन ग्लास वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपन एड प्रॉपर्टी दे एफेक्ट दोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फिर बोला दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक लाइट्स ठीक है ये सारी प्रॉपर्टीज निकल के आई सारी प्रॉपर्टीज निकलने के बाद क्या हुआ कि फादर जो एक्सपेरिमेंट हुए वो एक्सपेरिमेंट किस परपज़ से हुआ है कि अब ये सारी प्रॉपर्टी पता लग गई हमें कि ये कैसा है ये क्या क्या इम्पैक्ट डाल रहा है तब तो हमें पता करना था कि जो पार्टिकल एमिट हो रहे हैं उस पार्टिकल का मास कितना है उस पार्टिकल पे चार्ज कितना है नेगेटिव तो चार्ज है लेकिन कितना वैल्यू क्या है उसकी वो पता करनी थी हमें ठीक है तो ने, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ है वो दो बेसिकली दो चीज़ जानने के लिए हुए थे कि इसका चार्ज कितना है उसका मास कितना है तो फटाफट स्क्रीन पॉज करे फिर इसको नोट डाउन करें फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है तो जो फर्दर एक्सपेरिमेंट हुआ है वो किसने किए थे वो दो साइंटिस्ट ने किए थे जेजे थोम से नहीं किए थे और आर एम थे ठीक है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी बेटा ठीक है डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा काफी सारी चीज जानने को मिलेगी आपको टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वर्क कैरिड आउट कौन कौन से पहला था हमारा चार्ज बाय मास रेश्यो बाय जे जे थॉमसन ठीक है अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ बेटा ये मैं आपको बता देता हूं ठीक है आपको बहुत रेयरली मिलेगा ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ तो वो क्या करा जे थॉमसन ने डिस्चार्ज जो ट्यूब ली डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब जो पाथ था कैथोड रेस का जो पाथ था उस पाथ के प्रुलर उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को वहां पर सेटअप कर दिया ठीक है और किस डायरेक्शन में सेटअप किया कैथोड रेस की जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में उन्होंने सेटअप कर दिया ठीक है तो जब सेटअप किया उन्होंने तो उससे उन्होंने जो बताया उससे उन्होंने ये बताया कि जो डेविएशन होगा पार्टिकुलर जो डेविएशन होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा ठीक है तो उन्होंने क्या किया वो लिख लेता यहां पे पहले कि दे सेट अप दा, दे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रिपेंडिकुलर to each other, as well as to the path of to path of electrons. ठीक है एंड जो थॉम्सन ने Thomson ने क्या करा ये भी बताया कि Thomson शॉर्ट डेट Amount of deviation of particle from their path from their path, the presence of in presence of electric and magnetic field. डिपेंड्स ऑन अब यह डिपेंड किस करेगा तीन फैक्टर पर डिपेंड करा था पहला फैक्टर था हमारा मैग्निट्यूड ऑफ मैग्निट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल नेगेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल कैसे कैसे डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ये नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर तो उन्होंने बोला कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे ठीक है उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे और जितना ज्यादा इंट्रेक्शन होगा उतना ज्यादा वहां पे डिफ्लेक्शन होगा तो ये चीज उन्होंने खुद ने ऑब्जर्व करी वहां पर कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड मैं शॉर्टमेंट लिख देता हूं यहाँ पे ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज More will be interaction, more will be interaction with electric field and magnetic field, electric and magnetic field, and more will be deflection. ठीक है तो पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला दूसरा जो फैक्टर था जिससे इफेक्ट हुआ वो था कि मास ऑफ पार्टिकल से उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी ऑब्जर्व करके उन्होंने बताया कि जितना ज्यादा मास होगा मोर विल बी द मास मोर विल बी द मास ऑफ पार्टिकल

कैसे वो ऐसे कि जितना अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मतलब कि इनके वोल्टेज को बढ़ाएंगे अपन उतना ज्यादा वहां पर क्या होगा डिफ्लेक्शन होगा ठीक है तो ये लिख लेते हैं हम यहां डिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देअर ओरिजिनल पाथ फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ विध एन इंक्रीज इन विद एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ये तीनों चीजें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की उन्होंने पता करी तीन फैक्टर से डिपेंड करा था पूरा पूरा यहाँ पे और तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करा था उसकी वजह से उन्होंने क्या किया उन्होंने यहाँ पे चार्ज बाय मास रेशियो निकाल लिया एग्जैक्ट अम, एग्जैक्ट अमाउंट जो था डिफ्लेक्शन का वो चीज़ें ऑब्जर्व करी इन्होंने तीनों पॉइंट को रखी और जब इन्होंने ऑब्जर्व करी तो उस उन्होंने चार्ज बाय मास वैल्यू चार्ज बाय मास की वैल्यू थी उसको डिटरमाइन किया उन्होंने और जो निकल के आई वैल्यू वो थी इनकी ठीक है जो चार्ज बाय मास निकल के आया हमारे पास चार्ज बाय मास निकल के आया वो आया फाइव एट एट इंटू टेन टू दावर इलेवन पर ग्राम चार्ज बाय मास है, तो चार्ज की। चार्ज बाय की मास मास यूनिट 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 की, की होती होती ग्राम, तो चार पर ग्राम हो गया और ये वैल्यू निकल के उन्होंने बता दी कि ये वैल्यू आएगी चार्ज बाय मास्यू आएगा इलेक्ट्रॉन का क्लियर तो आप इसको फटाफट नोट करें स्क्रीन पॉज करें फिर हम आगे बढ़े इसको जो सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ वो किसके लिए हुआ चार्ज के लिए हुआ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय आर मिलिकेन ठीक है ये काफी फेमस हुआ था यहां पे और इसका वो इस जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया था वो था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ठीक है इसके लिए भी उन्होंने खुद का एक सेटअप बैठाया था उस सेटअप के थ्रू उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और इस सेटअप के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे उन्होंने चार्ज निकाला जो कि निकल के आया चार्ज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स जीरो टू टू इंटू टेन एस टू तो माइनस नाइनटीन गुलाम पर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं आप इसको ठीक है तो जब चार्ज आ गया हमारे पास चार्ज बाय मास रेशो आ गया तो हमने क्या करा एक और चीज निकाली जो कि मास निकल के आ जाएगा यहां से तो थॉमसन के थ्रू थॉमसन एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ कैलकुलेट किया जो तो कि निकल के आया था हमारे पास वन पॉइंट सेवन फाइव एट एट इंटू टेन टू दावर एट पर ग्राम और आर एम मिलिकन के एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया हमारे पास चार्ज निकल के आया जो कि कितना आया वन पॉइंट सिक्स जीरो टू टू पावर माइनस नाइनटीन गाई इलेक्ट्रॉन ठीक है तो इससे क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इजीली ठीक है चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास जिससे चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा मास ऊपर चला जाएगा तो क्या निकल के आएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी जो कि आएगी वाइन पॉइंट वन जीरो पावर माइनस थर्टी वन के जी जिसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो आ जाएगा हमारे पास नाइन पॉइंट वन जीरो बेटा चलिए तो आज के लिए इतना ही था हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वहां पे हमारा फंडामेंटल पार्टिकल टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम धीरे धीरे हम चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे और इस टाइप से हम डिटेल में तो बात करते चलेंगे अपन